अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसे करें कि आप मुझे लगा दें कीमे वाले दो और ये सब्ज़ी वाले और ये आलू वाले। ऐसे करें कि आप मुझे दो कर दें डिफरेंट दो सब्ज़ी लेते लेते कर। ये गरम गरम है, साथ चटनियाँ डाल दें। कितने हो गए? चार कीमे वाले 140। एक सेकेंड जी, ये सब्जी वाला अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेरी और मैं हूँ इस टाइम फारूकिया मार्केट में F6 में मशहूर बंगाली समोसे खाने आया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने पहले नहीं खाए हुए, मैंने पहले भी खाए हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं आप लोगों के लिए एक रिव्यू और ट्राई करने की नीयत से आया हूँ और फिर उसका ज़्यादा एक मज़ा होता है। टू बी ऑनेस्ट यार, इनके बीफ के समोसे बहुत 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 मज़े के हैं, फुल ऑफ स्पाइसेस, साथ चटनी है। इनकी एक सीक्रेट चटनी है जो ब्राउन से कलर की, इन्होंने तो दही भी साथ बीच में मिला के दिया है, लेकिन अदर देन दैट दही ना भी हो, ये चटनी इज़ उफ, इट्स सो गुड। जो समोसा पट्टी है इतनी क्रिस्पी है, ठंडे बिल्कुल नहीं, गरम गरम समोसे मिल रहे हैं यहाँ पे। मैं एक जल्दी से जाके कोक लेकर आता हूँ क्योंकि यहाँ पे खुद सेल्फ सर्विस है, और मैं एक और समोसा लेकर आता हूँ और फिर मैं बाकी रिव्यू देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। भाई मुझसे रिजिस्ट नहीं हुआ लालच से, मैं दो और कीमे के समोसे भी ले आया हूँ और एक रोल भी ले आया हूँ तुम लोगों के लिए रिव्यू करता हूँ रोल में क्या है। ठीक है जी, ये रोल है, ये भी बहुत क्रिस्पी है, मज़े का है। इस्लामाबाद में ना स्ट्रीट फूड बहुत मुश्किल से अच्छा मिलता ही नहीं है। लाहौर और कराची वाला तो सीन यहाँ पे है ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लाहौर में तो हर गली मोहल्ले में एक से बढ़कर एक समोसे वाला बैठा हुआ है, एक से बढ़कर एक चाटों वाला बैठा हुआ है जो चाटें बेच रहे हैं, दही भल्ले, फ्रूट चाट और भी गोलगप्पे। सेम गोज़ फॉर कराची एज़ वेल, कराची में भी बहुत सी जगह हैं, लेकिन इन इस्लामाबाद टू फाइंड गुड स्ट्रीट फूड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन हम लोगों ने ये बंगाली का समोसे हमने ट्राई किए और ये वाकई एक इस्लामाबाद के सीन में एक अच्छा सस्ता, जेब पे जो भारी ना पड़ता हो, स्ट्रीट फूड ये बंगाली के समोसे हैं।
अल्लाह देता से ज़्यादा अच्छा ये बंगाली समोसा और कोई नहीं बनाता, आई कैन अश्योर यू दिस। इनका समोसा बहुत मज़े का है। मैं ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से यहाँ पे आ रहा हूँ और ये इस्लामाबाद का मशहूर तरीन समोसा है। मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ तो मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज़ें पुरानी हैं जब हम बच्चे थे और इन्हीं स्ट्रीट्स में हम साइकिलिंग करते थे, आना जाना है F6, F8, F7। तो ये जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी हमारे लिए कि जी बंगाली के समोसे खाने। सर्दियों की शाम में इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी सर्दियों की शाम में ऊपर से सूरज मेरी आंखों में लग रहा है, गरम गरम समोसे हैं, साथ एक परफेक्ट ड्रिंक है उसके साथ जानने के लिए। आई एम एंजॉयिंग माई स्टे इन इस्लामाबाद। वाकई चास आ गई है जी। डू कम एंड ट्राई आउट बंगाली के समोसे, एक दफा तो जरूर ट्राई करो यार मेरे कहने पर।